कहते हैं कि जोड़ियां हमारे पिछले जन्म के कर्म फल के अनुसार ही बनती हैं। हमारा जीवन साथी कौन होगा, कैसा होगा, ये सब पहले से ही तय होता है। हमारी लाइफ में कब किसने आना है और कब किस समय चले जाना है, ये सब पहले से ही निश्चित है। तो हम पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं कि हमारा जीवन साथी कौन होगा, कैसा होगा? क्या आप जानते हैं कि हम अपने नाम से और अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में बहुत सारी बातें जान सकते हैं। जिस तरह हमारे ज्योतिष शास्त्र में वर वधु का कुंडली मिलान किया जाता है, उसी तरह से हमारे अंक शास्त्र में, हमारी न्यूमरोलॉजी में भी वर वधु के नाम का, उन दोनों के नाम के साथ साथ उनकी डेट ऑफ बर्थ का मिलान करके उनकी मैरिड लाइफ के बारे में बहुत कुछ जाना जाता है। हमारी न्यूमरोलॉजी में विवाह के लिए नामांक यानी कि नाम का अंक, मूलांक यानी कि बर्थ डेट, भाग्यांक यानी कि पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ का अंक, लड़का लड़की दोनों के अंकों को मैच किया जाता है, साथ ही दोनों की सूर्य राशि की भी यहां पर गणना की जाती है। आपके नाम के अंक, आपका मूलांक, भाग्यांक और सूर्य राशि अगर आपके पार्टनर के अंकों के साथ जितना ज्यादा मैच करती हैं, उतना ही आप दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होगा, आपकी मैरिड लाइफ में उतनी ही मधुरता होगी, प्रेम होगा, समर्पण भाव होगा। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाएगा, परफेक्ट पार्टनरशिप मानी जाएगी। और इसके विपरीत अगर आपके नाम के अंक, आपका मूलांक, भाग्यांक, सूर्य राशि, इनमें से बहुत कुछ आपके पार्टनर के साथ मैच नहीं करता है, तो इसका उपाय करके इसे ठीक भी किया जा सकता है। हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को तो चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ईश्वरीय देन है, लेकिन हम अपने नाम के लेटर्स में कुछ जरूरी चेंजेस करके उन्हें अपने पार्टनर के नाम के अनुकूल तो बना सकते हैं। अपनी मैरिड लाइफ में हमारी लव पार्टनरशिप में आ रही प्रॉब्लम्स को हम कुछ हद तक तो कम कर सकते हैं। अपने दाम्पत्य जीवन में आ रही करवाहट को दूर करने का प्रयास हम अवश्य कर सकते हैं। नामांक कैसे निकालते हैं, इसे मैं अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर नामांक निकालना नहीं जानते हैं तो मेरी नेम न्यूमरोलॉजी पर बनी ये वीडियो अवश्य देखिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आपका इतना जानना काफी है कि आपके नाम के सभी अल्फाबेट्स के अंकों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो जो अंक हमें मिलता है वही नामांक है। सभी अल्फाबेट्स के अंक आप इस टेबल में से नोट कर सकते हैं। अब एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा हम नामांक निकालना भी सीख लेते हैं। रंजन दास, आप इस टेबल में से सभी अल्फाबेट्स के आगे अंकों को इन अंकों के नीचे लिखिए, आपको आपका नामांक मिल जाएगा। जैसे यहां पर आर का अंक है 2, ए का 1, इसी तरह से बाकी के अल्फाबेट्स के अंक भी इनके नीचे लिख दीजिए। अब सबको जोड़ दीजिए, यहां पर अंक आता है रंजन का 15 और दास का आता है 8, तो 15 और 8 को आपस में जोड़ दीजिए तो आता है 23, 23 को आपस में जोड़ेंगे तो आता है 5 का अंक। ये आपका नामांक हुआ, आपका नाम का अंक हुआ। इसी तरह से आप अपने पार्टनर का नामांक भी निकाल लीजिए। अब अगर आपका नामांक आपके पार्टनर के नामांक के साथ मैच करता है तो अच्छा है, आप दोनों एक परफेक्ट कपल होंगे। वरना आप अपने नाम में या फिर अपने पार्टनर के नाम में कुछ अल्फाबेट्स के चेंजेस करके अंकों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अब इस टेबल के द्वारा चेक कीजिए कि आपका नामांक आपके पार्टनर के नामांक से मैच करता है या नहीं। अगर आपका नामांक 1 आता है और आप पुरुष हैं, मेल हैं, तो आपके पार्टनर का नामांक 2, 3 या फिर 4 होना चाहिए। और अगर आप एक महिला हैं, फीमेल हैं, और आपका नामांक 1 है तो आपके पार्टनर का नामांक 2, 5 या फिर 8 होना चाहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर समस्या का समाधान 2 से 3 सेशन में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है।
इसी तरह से अगर आपका नामांक दो है और आप पुरुष हैं, मेल हैं, तो आपके पार्टनर का नामांक 3, 7, 8 या फिर 9 पर होना चाहिए। और अगर आप एक महिला हैं, फीमेल हैं और आपका नामांक दो है, तो आपके पार्टनर का नामांक 3 या फिर 7 होना चाहिए। अगर आपका नामांक 3 आता है, आप एक पुरुष हैं, तो आपके पार्टनर का नामांक 1, 4, 6 या फिर 9 नंबर पर होना चाहिए। और अगर आप एक महिला हैं, फीमेल हैं और आपका नामांक 3 नंबर है, तो आपके पार्टनर का नामांक 4, 6 या फिर 9 होना चाहिए। अगर आपका नामांक 4 है और आप पुरुष हैं, मेल हैं, तो आपके पार्टनर का नामांक 1, 3, 7, 8 या फिर 9 पर होना चाहिए। और अगर आप एक महिला हैं और आपका नामांक 4 है, तो आपके पार्टनर का नामांक 1, 7, 8 या फिर 9 पर होना चाहिए। अगर आपका नामांक 5 है और आप पुरुष हैं, तो आपके पार्टनर का नामांक 3, 4 या फिर 6 के अंक पर होना चाहिए। और अगर आप एक महिला हैं, फीमेल हैं और आपका नामांक 5 है, तो आपके पार्टनर का नामांक 1, 2, 5 या फिर 7 होना चाहिए। अगर आपका नामांक 6 है और आप एक पुरुष हैं, तो आपके पार्टनर का नामांक 2, 5 या फिर 6 होना चाहिए। और अगर आप एक महिला हैं, फीमेल हैं और आपका नामांक 6 है, तो आपके पार्टनर का नामांक 6 या फिर 9 होना चाहिए। अगर आपका नामांक 7 है और आप एक पुरुष हैं, तो आपके पार्टनर का नामांक 6 या फिर 9 होना चाहिए। और अगर आप एक महिला हैं और आपका नामांक 7 है, तो आपके पार्टनर का नामांक 6, 8 या फिर 9 होना चाहिए। अगर आपका नामांक 8 का अंक है और आप एक पुरुष हैं, तो आपके पार्टनर का नामांक 1, 4, 5 या फिर 6 पर होना चाहिए। और अगर आप एक महिला हैं और आपका नामांक 8 का अंक है, तो आपके पार्टनर का नामांक 4, 5 या फिर 6 होना चाहिए। और अगर आपका नामांक 9 का अंक है, आप एक पुरुष हैं, तो आपके पार्टनर का नामांक 1, 6, 7 या फिर 9 का अंक होना चाहिए। और अगर आप एक महिला हैं और आपका नामांक 9 है, तो आपके पार्टनर का नामांक 1, 4, 5 या फिर 9 होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ नामांक और पार्टनरशिप पर बनी मेरी ये वीडियो आपको आसानी से समझ आ गई होगी। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।